नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत के शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जैसा कि शो का नाम है, राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। इस शो पर सिर्फ राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्रहित की बात होगी। पक्ष हो विपक्ष हो, सबसे देश हित को लेकर बहुत तीखे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि देश से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। आज हम बात करेंगे राज्यसभा में कल हुई शर्मनाक घटना की, साथ ही बात होगी विपक्ष के उस झूठ की जिसकी पोल आज एक वीडियो के जरिए खुल गई। टाइम्स नाउ नव भारत ने सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाया। संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा। कल सत्र के आखिरी दिन जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। राज्यसभा में हाथापाई की गई, मार्शल बुलाने की नौबत तक आ गई, लेकिन इस बीच मार्शल के साथ मारपीट की गई, शीशे तोड़े गए। विपक्ष का कहना है कि हमारे साथ मारपीट की गई, वीडियो कुछ और बयान कर रहा है। वीडियो में सांसद जो है वो धक्का मिक्की करते दिख रहे हैं, मार्शल नहीं कर रहे हैं। सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी और बाहर के मार्शल के बाहर से मार्शल के भेष में लोगों को बुलाकर महिला सांसदों के साथ मारपीट की, यह आरोप विपक्ष ने लगाया, सरकार पर सवाल उठाए। लेकिन इस वीडियो को आप देखिए, और इस वीडियो में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूलो देवी मार्शल को धक्का मारती हुई दिख रही है। इतना ही नहीं, जब टाइम्स नाउ नव भारत ने वीडियो दिखाया तो कांग्रेस की सांसद छाया देवी ने कबूल किया कि उन्होंने मार्शल का हाथ पकड़कर खींचा था। महिला मार्शल लोग आगे खड़े थे, हाँ। तो हम उसको सरका रहे थे कि आप सरक जाइए यहाँ से, तो वो सरके नहीं, और जो पुरुष मार्शल थे वो हमको धक्का दिए, ये गिर गई, मैं मुश्किल से बची, और फिर हम मेल जो आप ये कह रहे हैं कि मेल मार्शल ने आप लोगों को धक्का दिया, ये कह रही हैं आप? हाँ, मैंने कोई हाथापाई नहीं की हुई है। मैंने हाथापाई बिल्कुल नहीं किया। मेरी सांसद नीचे गिर गई थी, उसको बचाने के लिए मैंने उस महिला मार्शल को खींचा, हाँ। ताकि मेरी सांसद बच जाए। तो वीडियो अपने आप में गवाही दे रहा है। पहले कल कह रही थी कि हमारे साथ पुरुष मार्शल ने बदसलूकी की, आज वीडियो में जब सब दिख गया तो कहने लगी मेरी सांसद गिर गई थी, उनको उठा रही थी। वीडियो सामने आने से पहले विपक्षी दलों ने एक सुर में कहा कि बाहर से बुलाए गए पुरुष मार्शल ने महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की, मारपीट की। पहले सुनिए विपक्षी नेताओं ने एक सुर में क्या क्या बयान दिए। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई, और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दो तीन उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। हमारा मानना है कि जब संसद को आवारा बना दिया जाए, लोहिया जी कहते थे, तो सड़कों को रोशन करना होगा। ये शुरुआत है सड़कों को रोशन करने की। हम लोग उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्र शासन लगाया जाए, चुनाव कराया जाए। ये सारे नेता जब बयान दे रहे थे तब ये वीडियो बाहर नहीं आया था, और जब आप इस वीडियो में जो दिख रहा है और इनके बयानों को मैच करने बैठिए तो समझ में आता है कि क्या पॉलिटिकल मैच ये खेल रहे थे। दो दिन के भीतर राज्यसभा में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक रहा। 10 अगस्त को कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने रूल बुक फेंक दी, नारेबाजी की गई, टेबल पर चढ़ गए। 11 अगस्त को कांग्रेस की महिला सांसदों ने महिला मार्शल को पीट दिया, और अब विपक्षी नेता आज सरकार के खिलाफ सड़क पर संग्राम करने लगे।
सवाल है, विपक्ष ने पहले संसद की मर्यादा तोड़ी फिर झूठा आरोप क्यों लगाया? राज्यसभा की कलंक कथा का जिम्मेदार कौन है? मुजरिम कौन, विक्टिम कौन? संसद में चर्चा से भागे, सड़क पर चर्चा कराएंगे, लोकतंत्र को शर्मसार करने की पटकथा का डायरेक्टर कौन है? आज यही सवाल उठाऊंगा। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं। नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। नुपुर, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या लीडर हैं जेडीयू की, हमारे साथ जुड़ रही हैं, आपका भी स्वागत। डोला सेन तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, डोला जी आपका स्वागत। सारिका पासवान आरजेडी की नेता, संजय झा पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता और स्वयं पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। डोला जी, आपकी तस्वीर हमने देखी, आप कल वहां मौजूद थी जब ये सब हो रहा था। हमें तो महिला सांसदों के साथ मारपीट करते, उन्हें पीटते कोई नहीं दिखा, जैसा राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। सुनिए, काल सांसद में जो हुआ, सिर्फ काल ही नहीं, ये पूरा सेशन में जो हुआ वो गणतंत्र की कलंक है। गणतंत्र को मारा गया, डेमोक्रेसी हैज बीन किल्ड, डेमोक्रेसी हैज बीन मर्डर्ड एंड आवर कंट्री हैज बीन सोल्ड। इंश्योरेंस बिल भी पास हो गया तो सब वो बेच चुके हैं, तो उसको कोई किसी को बोलने का लायक नहीं है। 303 सीट जीता तो पूरा भारतवर्ष को, संसदों को, सबको अपना जमींदारी मानते हैं, तो यही उसका फेट हो रहा। डोला जी, मेरा सवाल मैं फिर से दोहराता हूँ, शायद मैं समझा नहीं पाया, मैं फिर से पूछता हूँ कि जो वीडियो है उसमें कहीं से भी मार्शल जो है वो महिला सांसदों को पीटते नहीं दिख रहे हैं, जैसा राहुल गांधी और विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो फिर ये झूठ क्यों बोला गया कि पिटाई की गई महिला सांसदों की, पुरुष सांसदों? आपको क्या लगता? सुनिए, झूठ झूठ हम अपोजिशन की तरफ से बोला नहीं गया। आपको क्या लगता ट्रेजरी बेंच ऑपोजिशन के ऊपर जो मारपीटी हुआ, महिला सांसदों को मैल हैंडलिंग हुआ, बुलडोजिंग हुआ मेल सांसद की तरफ से, वो वीडियो आपके पास देंगे आपने आपको डिफेम करने के लिए? तो आप दे दीजिए मुझे, तो उस वीडियो में डेरेक ओब्रायन वीडियो बनाते दिख रहे हैं मोबाइल से। डेरेक ओब्रायन से बोलिए वीडियो दे दें, मैं दिखाऊंगा मेरे चैनल पर। ठीक है, हम दे देंगे आपको। कब देंगे? हम दे देंगे। कब देंगे? अभी तक क्यों नहीं दिया? दे दीजिए, हम दे देंगे। अभी तक क्यों नहीं दिया? हमारे पास आए जी। आप अभी चलाइए, आपके पास तो होगा, डेरेक ओब्रायन ने आपको दिया होगा, अभी चलाइए, अभी लाइव ले लेते हैं। ठीक है, हम चला देंगे। चलाइए, अभी चलाइए, मैं अभी लाइव में दिखाऊंगा, चलाइए ना। मैं सबक मत सिखाइए, अपना हाथ में रख। ठीक है, हम दे देंगे। मैम अभी चलाइए ना, दीजिए मत, मैं चाहता हूँ देश को दिखे आप लोगों पे कितना अत्याचार हुआ। चलाइए ना, मैं अभी लाइव दिखाता हूँ कैमरे पर। सुनिए, आपका आपका वो चैलेंज से, आपका वो चैलेंज से हमारा कुछ जाता नहीं। हमको पता है हमको क्या करना है, कब करना है। ठीक है मैम, आपको नहीं लगता कि आप सांसद हैं और देश आपसे सच सुनना चाहता है? आप कह रही हैं वीडियो है जिसमें मारपीट दिख रही है, लेकिन आप वो दिखा नहीं रही है वीडियो। हम फिर बोल रहे हैं, हमारे पास वीडियो है, फुटेज है, उस दिन का भी है, 3 दिन पहले जब हमको उधर से सस्पेंड किया गया, और आफ्टर द सस्पेंशन वाज ओवर, आफ्टर द हाउस वाज एडजॉइंड, हमारे तो पॉकेट नहीं रहता, तो बैग लेने के लिए हम अंदर गए, और अंदर घुसते का टाइम मेल मार्शल ने हमको बाधा दान किया, उसका भी फुटेज हमारे पास है। हमको हम जब दिखाना का जरूरत समझेंगे तब दिखाएंगे। अच्छा, अभी जरूरत नहीं है। थैंक यू मैम, वीडियो तो देके जाइए, मुझे पता है आप चली जाएंगी, मुझे पता है आप चली जाएंगी, लेकिन वीडियो देकर जाइए ना मैम। तो क्या हम पृथ्वी चोर से भाग नहीं रहे, भारत चोर के भी नहीं, हम इधर ही है। नहीं मैम, वीडियो दिखा के जाइए। नहीं मैम, प्लीज वीडियो दिखा के जाइए, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को पता चले आप पर अत्याचार हुआ है। कहां पर जा रहे हम, कहां पर जा रहे हम, कहां पर जा रहे मैम? अगर आप वीडियो नहीं दिखाएंगी तो यही लगेगा लोगों को कि आपने कहने को कह दिया वीडियो है नहीं। ठीक है, आपको लगने दीजिए ना, हमसे कुछ जाता नहीं। लोगों को लगेगा मैम, मुझे क्या लगेगा, मुझे तो छोड़ दीजिए, मेरा तो काम है। आप बोल रही हैं तो मैं तो प्लेटफॉर्म दे रहा हूं मैम, लाइव वीडियो दिखाइए। हमारे पास
हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारे पास साबूत है, क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ, आप क्यों नहीं दिखा रही है वीडियो, क्योंकि जिस वीडियो में, जो वीडियो अभी बाहर आया मैम, उसमें डेरेक ओब्रायन जब वीडियो बना रहे हैं वो भी दिख रहे हैं, और वहां मार्शल के साथ बदसलूकी होती दिख रही है, इसलिए आप नहीं दिखा रही है वीडियो। तो क्या हुआ? हम फिर बोल रहे हैं वो फेक वीडियो दे रहे हैं, सबको पता है, देश की प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं और लीडर ऑफ हाउस भी झूठ बोलते हैं, तो फेक वीडियो दिए हैं। फेक वीडियो आपको कैसे फेक बनता वीडियो दिया गया? और टाइम्स नाउ बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव, टाइम्स नाउ बीजेपी का, तो मुझे एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता कि आप वीडियो में, आप सांसद वहां महिला सांसद मार्शल के साथ बदसलूकी करें और मैं सवाल पूछूं और आप कहें बीजेपी के प्रवक्ता हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक का सवाल उठाना अगर बीजेपी का प्रवक्ता होना है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वीडियो दिखाइए ना, आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, लाइव वीडियो में बीजेपी को एक्सपोज कीजिए, क्यों नहीं करती हैं आप? हम फिर बोल रहे हैं आपसे हम नहीं सीखेंगे, आपसे हम नहीं सीखेंगे। उधर जो होगा हुआ वो गलत है और उसका खिलाफ कैसे लड़ना पड़ेगा हमको पता है, नुपुर जी, हम नहीं सीखेंगे। नुपुर जी, डोला जी के पास एक वीडियो है जो वो नहीं दिखाएंगी, मैं 10 मिनट उनको दिया हूं, 10 मिनट बस हो गया, और मुझे पता था वो ईपी निकालकर चली भी जाएंगी, चली गई वो, यही होना ही था। नुपुर जी, कौन सा वीडियो है जो आपने छुपा लिया, नहीं दिखा रही है? सुशांत जी आपको नमस्ते, सारे पैनलिस्ट को, डोला जी को खास तौर से नमस्ते और सभी दर्शकों को भी। देखिए सुशांत जी, आपने कटघरे में खड़ा किया, मैं ये भी नहीं कहूंगी कटघरे में खड़ा किया, इन्होंने बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया है मार्शल के ऊपर जो बकाया। एक मिनट नूपुर जी, मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ, जो हमारी गेस्ट टीम वहां गई हुई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, डोला जी से अगर वो वीडियो है तो मोबाइल पर ले लें, अभी लाइव शो में चला दूंगा, उनको बोलिए। अब नूपुर जी आप अपनी बात कहिए। देखिए आपने बिल्कुल एक बिल्कुल सही सवाल पूछा है इससे कि अगर आप ये कह रहे हैं कि महिला सांसदों के साथ संसद भवन के अंदर संसद भवन के खुद के मार्शलों ने बदसलूकी करी, मारपिटाई करी, तो कृपया करके दिखाएं। ध्यान दीजिएगा, गौरतलब है कि इन्हीं सांसदों ने, ये विपक्षी दल के सांसदों ने अपने फोन कैमरा के ऊपर ये सारा जो हड़कम मचा रखा था, उर्धंग मचा रखा था, इसको इन्होंने रिकॉर्ड किया जो रूल के खिलाफ है। अब ये आपने खुद बताया, डेरेक ओब्रायन जी अपने फोन पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी महिला सांसदों के साथ मारपिटाई हुई है, धक्का मुक्की हुई है, तो आप कृपया करके उस अपने इल्जाम को बैक तो करेंगे, तथ्य तो दिखाएंगे। अच्छा चलिए छोड़िए, आपने इससे पहले पायलट में दिखाया, सुशांत जी बहुत ही बेसिक चीज है, आपने पायलट में दिखाया कि एक कांग्रेस की महिला सांसद कह रही है कि मैं महिला मार्शल को इसलिए खींच रही हूँ क्योंकि मैं अपनी महिला सांसद जो गिरी हुई थी उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप अपनी गिरी हुई महिला सांसद को ऐसे बचाएंगे कि महिला मार्शल को उनके ऊपर से ही खींच लेंगी? अरे किसी को किसी के ऊपर खींच कर धक्का मारेंगे तो उसके तो और चोट लगेगी ना जो नीचे गिरा हुआ है। ये किस तरीके का डिफेंस है इनका, ये किस तरीके का तथ्य दिया है, किस तरीके की टिप्पणी करी है? और तीसरी बात, ये जो 6 सांसद, मेरे हिसाब से डोला सेन जी का नाम भी है उसमें, जो सस्पेंड हुए हैं, जिसमें अर्पिता घोष जी भी थी, इन्होंने सस्पेंड होने के बावजूद धक्का मुक्की करके कांच का दरवाजा तोड़ा संसद भवन का, जिससे एक महिला मार्शल के चोट तक आई है। मैं अब भी कहूँ कि आप इतने बड़े इल्जाम जो लगा रहे हैं, ठीक है पार्लियामेंट में प्रिविलेजेस होते हैं सुशांत जी, लेकिन अगर आपके चोट हो जाए तो उसमें मेडिकल भी बनता है। ठीक है संजय जाजी, कोई वीडियो अभी तक हमें नहीं मिला और हम अभी भी कह रहे हैं अगर आ जाएगा तो वो भी दिखाएंगे, लेकिन कोई वीडियो नहीं दिखा जिसमें मार्शल्स जो हैं वो किसी भी सांसद को, महिला या पुरुष को, पीटते दिख रहे हूं। और राहुल गांधी का बयान है कि मारा गया, पीटा गया, बाहर से लोगों को बुलाकर नीले कपड़े पहनाकर मार्शल बना दिया गया, पता नहीं उन्होंने आई कार्ड कब चेक किया, ये झूठ नहीं है तो क्या है सर? देखिए सुशांत जी, दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत ही आसान है, ये सब पूरा मैं कहता हूँ कि 30 सेकेंड या एक मिनट का वीडियो, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत वीडियो है, जो भी हम देख रहे हैं बहुत ही बेजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। अब कौन नीचे गिरा है, कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है, इसकी पूरी जो कहते हैं पारदर्शिता के साथ उसकी छानबीन की जाए। यदि आज संजय जी मैं थोड़ा सा आपसे माफी मांग रहा हूँ, आपका ऑडियो इको हो रहा है,
मैं उसको ठीक करा के फिर आपके पास आता हूँ। वो कुछ ऑडियो में समस्या, आपकी आवाज दोबारा से लौट रही है। सारिका पासवान जी भी हमारे साथ हैं। सारिका जी, इस फुटेज के बाद क्या कोई वजह रहती है कि सरकार से सवाल पूछें या विपक्ष से सवाल पूछें, कि किससे सवाल पूछना चाहिए इस वीडियो के बाद? अच्छा, सारे जी, सारिका जी का नेटवर्क चला गया है। तारा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका सुशांत जी और जी। सारे दर्शक जो मुझे देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं और उनके सामने जो ये हरकतें हुई हैं लोकसभा के अंदर और इतनी मारपीट हुई है कि फीमेल सांसदों ने फीमेल मार्शल को भी मारा है। अगर मारा नहीं होता, एक औरत जिसकी प्रोटेक्शन के लिए एक फीमेल मार्शल आई है, आप ये दृश्य दिखा रहे हैं जो कि आने वाले कल की लोकतांत्रिक देश में हम क्या क्या मुंह लेके दिखाएंगे? हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि हमारा पार्लियामेंट जो हमारे एक मंदिर मस्जिद के समान है उसके अंदर ये सब होता है, मार पिटाई होती है? हम ये दिखाने के लिए उनको यहाँ पे रखे हुए हैं? ये सरासर गलत है। और अगर उनके पास कोई वीडियो फुटेज है तो वो कृपया करके दिखाएं, क्योंकि उनके पास मार्शल आर्ट इसलिए भेजी जाती है फीमेल, ताकि वो उनकी सुरक्षा कर सके, इसलिए नहीं कि वो उनके ऊपर ही वार करे और वो फीमेल जो है सांसद वो उनके ऊपर वार करे। और मेरे हिसाब से वो औरतें हैं, उनको कोई भी बात को सुलझा के समझा के कहनी चाहिए, अपनी बात को स्पष्टता से रखनी चाहिए, ना कि तेवर में आके गुस्से में आके कुर्सी फेंकना या एक दूसरे से हाथापाई करना, ये कतई उचित नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ठीक है। स्वयं पुरोहित साहब, क्या क्या जो भी फुटेज है, अभी मैंने डोला जी से भी रिक्वेस्ट की, अगर आप भी टीएमसी से आपके पास हो वो फुटेज दे दीजिए, अभी लाइव चला देते हैं जिसमें मारपीट होती दिख रही हो। डोला जी ने कहा है फुटेज है तो आपको जरूर मिल जाएगा, आप थोड़ा सब्र रखिए। नंबर दो, आज हमारे डायरेक्ट ब्रायन जी ने 8 सवाल पूछे हैं संसद में। संसद में आप विपक्ष का माइक क्यों बंद कर देते हैं? संसद में प्रधानमंत्री, जिस समय ओबीसी आरक्षण पर बात हो रही थी उस समय संसद में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई भी उपलब्ध नहीं है, क्यों नहीं है? क्या उनके कटआउट लगाने चाहिए वहां पे संसद में? आप बताइए, संसद उज्ज्वला गैस के लिए प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के पास में संसद में खुद के पास बैठने के नहीं है, समय नहीं है उनके पास में संसद के लिए। हमारे एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि बोलना शुरू किए, आप बीच में ना बोले, आप मुझे बोलने दे, नहीं नहीं, आपको जब मौका मिलेगा, वो तो कुछ बोलते ही नहीं थे जी, शायद वही। अरे उन्होंने 22 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राज्यसभा में उन्होंने कितने भाषण दिए, आप ऑन रिकॉर्ड उठाइए, आप उनकी बात मत करिए उन्होंने क्या किया है। 3 साल तक आपने संसद नहीं चलने दी, 2010 से लेकर 2014 तक आपने संसद नहीं चलने दी। आपको दिखाई पड़ रहा है, आप मार्शल लॉ, आपने मार्शल लॉ लगाया है जो पाकिस्तान में, क्योंकि आपको बुरा लग रहा है, आपने एक व्यक्ति पे 20 लोगों को खड़ा कर दिया, संसद में लोकतंत्र की हत्या की गई है, 20 लोगों को खड़ा कर दिया आपने, मार्शल लगा दिया। तो मार्शल किस लिए होते हैं मुझे ये बताइए, मार्शल किस लिए होते हैं, उनको कहां लगाना चाहिए? नहीं, स्वयं पुरोहित जी, मार्शल क्या के लिए होते हैं? आप अपनी सीट पर खड़े रहकर बोलिए, मार्शल आपकी सीट पर तो नहीं आए थे? मार्शल आपकी सीट पर आए थे क्या? मार्शल लॉ लागू नहीं किया गया, मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ, ये शब्द का इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा। आपने मार्शल लॉ लागू किया, मार्शल किस लिए होते हैं मुझे बताइए सर, मार्शल किस लिए होते हैं संसद में मुझे बताइए। आप अभी मार्शल है कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर के जो बिल पास हो रहे हैं इंश्योरेंस के, गरीब आदमी की हत्या हो रही है इसके अंदर में, आपको पता है इंश्योरेंस के बिल चुपचाप पास कर लिया इन्होंने? नहीं, चुपचाप क्यों किया? आप चर्चा करते ना सर, इन्होंने चुपचाप क्यों किया? आप चर्चा करते ना, आपके राज्य में चुपचाप कैसे पास हो गया? आपको बोलना चाहिए था ना? अरे आप बोलने दे रहे हैं, वक्ता बनना चाहिए, बोलना चाहिए, आपको उसके ऊपर विरोध करना चाहिए, विरोधियों का काम ही वही है। नूपुर जी, आरोप ये है कि आप बोलने नहीं देते, इसलिए वहाँ वेल में जाकर कभी टेबल पर चढ़ना पड़ता है और कभी हंगामा करना पड़ता है। नूपुर शर्मा से भी लड़ना पड़ रहा है। देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं जरा बोल सकती हूँ, मैं किसी के ऊपर नहीं बोलूंगी, इनको प्लीज चुप कीजिए। एक मिनट पुरोहित साहब, सुन लीजिए, आपने कहा बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए आप कम से कम नूपुर जी को सुनिए। आप दोनों बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। मैं तो चुप बैठी हूँ भैया, आपको तो यही नहीं पता कौन नूपुर है कौन नहीं है।
और यहाँ पे आप आए कि हमारे पास वीडियो है जी सब कुछ दिखाने का। अरे वीडियो कौन इंसान का नाम क्या ये तक पता नहीं और बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि महिला सांसदों को पीटा गया। वीडियो है नहीं, वजूद शून्य है। वीडियो क्यों मांग रहे हैं हमसे? चिल्लाने से क्या होगा? चिल्लाने से क्या होगा भाई साहब? पानी पी लीजिए, क्या हो गया? शांति बनाए रखे भाई साहब। ये देखिए जिस तरीके से ये आक्रामक इनका जो व्यवहार टीवी के ऊपर है सुशांत जी, ये संसद के पटल पे ये जो हंगामा मचा रहे हैं, गुंडाई फैला रखी है, आपको और सारे दर्शकों को इससे हैरानी नहीं होनी चाहिए? देखिए इनकी शक्ल, देखिए देखिए इनकी शक्ल, ध्यान से देखिए सभी दर्शक इनकी शक्ल ध्यान से देखिए। ये हमें नहीं बोलने दे रहे, मैं इनके ऊपर भी बोली, ये मेरे ऊपर बोल रहे हैं उल्टा। पुरोहित साहब रुकिए, पुरोहित साहब महिला सम्मान कीजिए, महिला को तो बोलने दीजिए, बात कर सकती हूँ, बोलिए। सम्मान महिलाओं का, देखिए इनके इनके जहन में, इनके जहन में किसी महिला के लिए कोई सम्मान नहीं है। आप इनको प्लीज चुप कीजिए। देखिए सुशांत जी इस तरीके से मैं डिबेट नहीं कर। पुरोहित जी एक मिनट रुक जाइए, पुरोहित जी आपको भी मौका दूंगा, आपको भी मौका दूंगा एक एक करके। आपने कुछ बोला तो उस पर नुपुर जी से बोला है रिस्पॉन्ड करने, फिर सारिका जी के पास भी जाऊंगा। नुपुर जी बोली, नहीं मैं नहीं बोली बीच में, आपको नहीं पता मैं आपके बीच में नहीं बोली। आप प्लीज आंखें खोल के देखिए कि डिबेट में क्या चल रहा है, आंखें खोल के देखिए, जैसे संसद में आंखें खोलनी चाहिए थी। प्लीज सुशांत जी मुझे बोलने दीजिए, आई विल नॉट डिबेट लाइक दिस। अच्छा थोड़ा पुरोहित साहब प्लीज रुक जाइए, प्लीज पुरोहित साहब, फिर किसी की बात नहीं होगी। अभी तक मैं सारिका जी के पास गया भी नहीं हूँ। नुपुर जी बोलिए, तरीका नहीं है ये सर, प्लीज संसद मत बनाइए सर कि आप ही बोलेंगे, किसी और को बोलने नहीं देंगे। नुपुर जी बोलिए, ऐसा नहीं है, इनको पता है नहीं नुपुर है। प्लीज ऑडियो फिर कम कराना पड़ेगा सर। नुपुर जी बोलिए, तरीका नहीं है, पूरा समय बर्बाद हो रहा है सुशांत जी, मैं तो ऐसे डिबेट नहीं कर सकता। बोलिए बोलिए नुपुर जी बोलिए। देखिए पूरा के पांच मिनट चिल्लाए ये जानते हुए कि मैं नुपुर हूँ नहीं हूँ इनको पता ही नहीं है, यही तो बात है। संसद के ऊपर ये गनीमत है कि हम अभी अलग अलग बैठे हैं, ये साथ में बैठे होते स्टूडियो में सुशांत जी तो मेरी पिटाई हो जाती है यहाँ पे। मैं तो बोली भी नहीं, लेकिन इनको लगा नुपुर मेरे ऊपर बोली। जिस तरीके से इन्होंने अपना गुस्से आ रहा है अपना चेहरा दिखाया ना, जैसे इनके सांसद महिला मार्शलों को पीट रहे हैं, मुझे भी पीट देते। खैर ये टीएमसी का डीएनए है, अब तभी टीएमसी के दो महिला सांसदों ने वो जो गले में फंदा लगा के कल जो ड्रामा किया था ना, मुझे याद आया किस तरीके से भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को ये फांसी से लटकाते हैं। आए दिन भाजपा के कार्यकर्ता बंगाल प्रदेश के अंदर पेड़ों से फांसी के फंदे से लटके हुए मरे पाए जाते हैं, जो टीएमसी के गुंडों द्वारा मारे गए होते हैं। नुपुर जी बंगाल पे नहीं जाएंगे, संसद पे रहेंगे। नुपुर जी संसद पर, मैं संसद पे आ रही हूँ, लेकिन अगर ये मेरे पे बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे तो जवाब तो मैं दूंगी। अच्छा ठीक है, अब आप संसद पर बोलिए, इनका आरोप है कि बोलने नहीं दिया गया इसलिए ये सब हुआ। हाँ तो ये तो मुझे नहीं बोलने दे रहा, क्या कौन बोलने दे रहा नहीं दे रहा, ये तो उसके दर्शकों का साफ हो गया है। सुशांत जी देखिए इतनी इनकी अभिव्यक्ति की आजादी इतनी दबाई गई, सुशांत जी ये टेबल पे चढ़ गए, अरे अपनी टेबल पे नहीं, सेक्रेटरी जनरल भी टेबल पे चढ़ गए, जो रिकॉर्डर होते हैं कमेंटेटर होते हैं उनके कागज फाड़ती है भैया, उनसे आपकी क्या दुश्मनी? सेक्रेटरी जनरल कोई राजनीतिक दल के होते हैं क्या? चेयर के ऊपर ऐसे फाइल उठा के फेंकती, अगर कार छूट जाता उनके गले पे रख जाती तो आप क्या करते, जवाब कौन देता? अरे छह सस्पेंडेड सांसदों ने कार का दरवाजा तोड़ दिया, महिला मार्शल की चोट आई वो हॉस्पिटलाइज्ड है। आप मुझे बता दीजिए उनके साथ अगर कोई ग्रीवियस इंजरी हो गई, जानलेवा अगर उनके चोट लग गई तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? आपको मैं बात बताती हूँ, आप कह रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कहाँ है? देखिए आप निर्णय नहीं लेंगे कि आपके कौन से सवाल का जवाब कौन से मंत्री देंगे। जब आपने पहले से इस पर सवाल उठाया तो माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी खड़े हुए थे, लेकिन आपके गुंडे सांसद शांतनु सेन गए, कागज खींचे छीने, धक्का मुक्की करी, कागज फाड़े और बेल पे उछाल दिए। तो कृपया करके ये ना कहिए कि आपके सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे, आप जवाब लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। जवाब आप लेना नहीं चाह रहे इसलिए 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 आप ये हंगामा कर रहे हैं। सारिका जी ये बताइए, सारिका जी एक मिनट सर, अभी तक वो बोल नहीं पाई, उनका ऑडियो पहले चला गया था। सारिका जी मुझे बताइए, महिला होने के नाते अगर महिला मार्शल के साथ कुछ गलत होता वीडियो में दिख रहा है तो विपक्ष महिला मार्शल के लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ता? सुशांत जी सबसे पहले तो सारिका जी का फिर फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं आता हूं सारिका जी, मैं माफी चाहूंगा, फिर आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, जैसे ही लगेगा मैं आपके पास आ जाऊंगा। तारा जी मेरा सवाल यही है, महिला मार्शल के साथ बदसलूकी क्यों विपक्ष का मुद्दा नहीं है?
मुझे ये समझ में नहीं आता कि महिलाओं को उनका सम्मान आखिर इस देश में कब प्राप्त होगा। वही देश कहलाएगा महान जिसे महिला जब जहां महिलाओं को मिलेगा सम्मान। जब संसद में महिलाओं की ये स्थिति है तो आप समझ लीजिए कि दुनिया में महिलाओं की क्या स्थिति है, जो रोड पे चल रही है, जो रोजमर्रा के काम कर रही है, उनकी क्या स्थितियां हैं। अगर वो संसद में सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहां पर सुरक्षित है। और विरोधियों को ये सोचना चाहिए कि मारपीट से पहले कि वो भी हमारी तरह औरतें हैं, उन्हें इज्जत देना सीखिए, उन्हें इज्जत देना बख्शिए, तभी आप इज्जत ले पाएंगे। यूं ही चिल्लाते ठीक है। सारिका जी की आवाज आ गई है। सारिका जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद सुशांत जी बोलने का मौका देने के लिए। बहुत ऑडियो प्रॉब्लम चल रही है सुशांत जी। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि अभी देश में लोकतंत्र की हत्या लगातार और बार बार हो रही है। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं सदन की जो फुटेज आप दिखा रहे हैं, क्या इसके पहले भी अगर मैं 4 महीना पहले याद दिलाऊं, जिस तरीके से बिहार विधानसभा में माननीय को बाहर से पुलिस बल बुला करके उनकी मार करवाई गई, लाठी से उन पे बरसा गए, महिलाओं के कपड़े खींचे गए, उनको उठा करके सदन से बाहर फेंका गया। इतना ही नहीं, हमारे एक माननीय जो पिछले 2 महीने से हॉस्पिटल में भी इलाज अपना उन्होंने कराया, तब पता नहीं क्यों ये जेडीयू की प्रवक्ता जी को दिखाई नहीं दिया, तब इन्हें महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें इनको दिखाई नहीं दी, उनकी बात दिखाई नहीं दी। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, ये लोग अपने पक्ष की बात देखते हैं। लेकिन सुशांत जी एक मिनट, तारा जी उनको बोलने दीजिए, तारा जी उनको बोलने दीजिए। इसके पहले भी सदन में चर्चा हुई है, हंगामे हुए हैं, कुर्सी और टेबल फेंके गए हैं। जब सरकार को जरूरत थी कांग्रेस को, लेकिन आज सालों से नहीं हुआ कि बाहर पुलिस बल उठा कर या अंदर ले गए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। एक मिनट तारा जी, एक मिनट उनको बोलने तो दीजिए, सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही हैं। ये सरकार होने वाली है, अपने आप में ये लोकतंत्र की हत्या है। चाहिए ठीक है, माने को आज में चल रही है बीजेपी है वहां पे। अरे तारा जी ये जना आप अपनी गैर मतलब की बात तारा जी एक मिनट रुक जाइए ना, बोलने तो दीजिए, एक एक करके बोलिए, क्या दिक्कत है, सबको समय दे रहा हूँ। चलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे इस वक्त हेडलाइन लेनी है, 30 सेकंड में हेडलाइन लेकर वापस लौट रहा हूँ। राष्ट्रवाद में आज हम चर्चा कर रहे हैं इसी तस्वीर पर, क्योंकि देश की सबसे अहम तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। राज्यसभा में आरोप यह लगा कि मार्शल्स ने सांसदों के साथ बदसलूकी की। जब तस्वीर बाहर आई तो कहानी बिल्कुल उल्टी थी, लेकिन फिर भी विपक्ष अभी मानने को तैयार नहीं, और आरोप यह है कि यह पूरी फुटेज नहीं है, इसमें जो हुआ उस पर कोई चर्चा नहीं, महिला मार्शल के साथ जो बदसलूकी हुई उस पर कोई चर्चा नहीं, और राहुल गांधी तो कह गए थे कि मारपीट हुई, मारपीट तो दिख नहीं रही। चर्चा हम कर रहे हैं, नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर तारा श्वेता आर्या लीडर जेडीयू हमारे साथ हैं, सारिका पासवान आरजेडी की नेता, स्वयं पुरोहित स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के हमारे साथ हैं। सारिका जी मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि जो महिला मार्शल के साथ बदसलूकी हुई उसको लेकर आप लोग क्यों हंगामा नहीं करते, वो महिला नहीं है। ठीक है, फिर उनका नेटवर्क चला गया है। पुरोहित साहब, महिला मार्शल के साथ बदसलूकी विपक्ष का मुद्दा नहीं है? नहीं, महिला के हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, आपको पता होना चाहिए हमारी नेत्री एक महिला है। पश्चिम बंगाल में 50% महिलाओं आरक्षण की बात पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी करती है। महिला बात यहाँ पे दूसरी है, आप मुद्दा बना रहे हैं महिला का। मैं बोल रहा हूँ ये जो सेशन गया है मानसून सत्र पूरा, इस पूरे सत्र में 38 बिल पास हुए हैं, आज ये आके रोना रो रहे हैं विपक्ष को। मुझे उस पर बात ही नहीं करनी आज, आप मुझे उस पर आज बात ही नहीं करनी। आप राष्ट्रवाद अभी आप पहले चिल्लाते रहे सर कि महिला मार्शल महिला सांसदों के साथ बदसलूकी हुई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, फुटेज आ गया तो आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। अब आपको चर्चा करनी है कि अमित शाह फलाने डिस्कशन में क्यों नहीं थे और नरेंद्र मोदी इस डिस्कशन में क्यों नहीं थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ महिला सांसद के साथ क्यों गलत हुआ, महिला सांसद के साथ क्यों गलत हुआ, पहले ये बताइए। मार्शल पे लॉ नहीं हुआ, मार्शल खड़ा क्या हुआ, आप ये सवाल। महिला मार्शल के साथ क्यों गलत किया ये बताइए पहले। ये कि संसद में भारतीय लोकतंत्र नहीं लोकतंत्र कर दिया गया है, लोक मतलब ताला, LOC के ताला बंद कर दिया गया है, विपक्षी के बाइक बंद कर दिया। महिला मार्शल के साथ बदसलूकी हुई उस पर टीएमसी क्या कहेगी ये बताइए। महिला संसद, महिला मार्शल, महुआ मोहित्रा, महिला मार्शल, हमारी महिला मार्शल पे बोलिए। सम्मान हुआ है डेरेक ओब्रायन ने, आज 8 सवाल किए हैं। अरे डेरेक ओब्रायन 8 सवाल करें, 80 सवाल करें। आज मेरा सवाल इस शो में यह है कि महिला मार्शल के साथ बदसलूकी हुई, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है, उस पर क्यों नहीं हंगामा करते आप? की बात कर रहे हैं आप सुशांत जी, आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं ना। हाँ,
आप थोड़ा धीरे समझे, आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आप महिला इसका 24 घंटे का पूरा फुटेज निकालिए, आप आराम से खंगालिए, कल फिर डिबेट में मुझे बुलाइए, मैं भी आऊंगा, आप भी आइए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, आप मेरी बात, मैं आपसे दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, 24 घंटे का फुटेज आएगा वो भी दिखाऊंगा, आप जो फुटेज देंगे वो भी दिखाऊंगा, मैं कह रहा हूँ अभी वाली फुटेज में महिला मार्शल के साथ बदसलूकी हो रही है, आप क्यों नहीं बोलते कि ये गलत हुआ? नेत्री के साथ हमारी जो नेता है जिसको संता ने चुन करके लोकसभा में संसद में भेजा है उनके साथ में बदसलूकी करने के लिए कहाँ है, दिखाइए ना, वीडियो दिखाइए ना, कहाँ हुआ है, खड़ा किया गया एक व्यक्ति पे 50-50 मार्शल क्यों खड़े किए गए, क्यों खड़े किए गए, आपको जाकर चेयर के टेबल पे करना क्या था, अपनी सीट पर रहते, आप इंश्योरेंस बिल का पास कर रहे हैं, आपने 38 नुपुर शर्मा जी घूम फिर कर कहानी वही है कि इनको मानना नहीं है, वीडियो फुटेज आ जाए उसके बाद भी इनको यही कहना, और अब तर्क ये है कि आप 24 घंटे का फुटेज रिलीज कीजिए, मतलब जब राज्यसभा बंद थी तब भी अंदर क्या हो रहा था वो भी रिलीज कर दीजिए, आप तो सरकार में है, देखिए सुशांत जी मैं बोल सकती हूँ, मेरे ऊपर बोलते रहेंगे, ये महिला की आवाज दबाने की आदत है, देखिए कहते हैं 50% आरक्षण लाएंगे, 50% महिला आरक्षण, अरे भूल गए वो माननीय माता बंगाल की शोभा मजुमदार जी, टीएमसी के गुंडों ने मार पिटाई करके इस बूढ़ी माँ को कैसे मौत के घाट उतारा था, आप महिलाओं की इज्जत करते हैं, ये जो ढकोसला है ना किसी और को परोसिएगा, यहाँ नहीं चलेगा, इस पैनल पे 3 महिलाएं बैठी है और आप नॉन स्टॉप 2 महिलाओं के ऊपर बोल रहे हैं, आपके जहन में महिलाओं के लिए कितनी इज्जत है, नहीं है, ये तो इसी से जग जाहिर है, अब आ रहे हैं जी लोकतंत्र की हत्या हो गई, संसदीय मर्यादा का पालन नहीं हुआ, ये वो लोग बोल रहे हैं, सुशांत जी ध्यान से सुनिएगा, जो संसद के अंदर आंख मारते हैं, जो जबरदस्ती संसद के अंदर प्रधानमंत्री के गले पड़ जाते हैं, और महिला सशक्तिकरण महिला सुरक्षा की बात वो कर रहे हैं जिनके 2 मन चले लड़के, अरे पहली जनवरी 2008 को दिल्ली की सड़कों के ऊपर ये 2 भाई आरजेडी के नहीं, नुपुर जी नुपुर जी सवाल ये था, केस तक हो गया था, नुपुर जी सवाल ये था कि आपने सेलेक्टिव फुटेज जारी किया है, आप देखिए सीआरपी बढ़ा रहे हैं, जो भी फुटेज है आपके सामने है, अगर इनके पास फुटेज है तो ये बोल रहे हैं दिखाएं, ये कह रहे हैं फुटेज है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, मैं सांसद नहीं हूँ, डोला जयंती कह रही है हमारे पास फुटेज है, अरे तो ठीक है क्या कर रही है आप, फुटेज दिखाइए, रोहित साहब वो यही कह रही हैं कि हमने सेलेक्टिव फुटेज मान लीजिए दी है, वो ये कह रही है कि अगर सेलेक्टिव फुटेज है और डोला जी कह रही है कि फुटेज है तो कर दीजिए रिलीज, हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये, आप बोल देंगे ये बनाया, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आरोप लगाने की है, डोला जी झूठ बोल रही थी, अरे टीएमसी का झूठा कौन, आप ही बोलेंगे टीएमसी का झूठा कौन, इसका जवाब दे दो, टीएमसी का झूठा कौन, टीएमसी का बड़ा झूठा कौन, इसका जवाब दे दो मेरे को, या झूठे या डोला सिंह झूठी या अर्पिता कौन झूठी जिन्होंने दरवाजा तोड़ा कांच का और एक महिला मार्शल के चोट तक लगी है, उसकी जवाबदेही कौन देगा, उसका जवाब तो मेरे बताया नहीं, देखिए सुशांत जी ये इतने बेचारे हैं कि कितने कैसी गुंडाई कर रखी है, इनको बिल्कुल नहीं बोला, नहीं नहीं अब तो जनता देख रही है नुपुर जी, मुझे क्या करना है, सारिका जी मुझे बताइए, सारिका जी पहले ये कहा गया कि मारपीट हुई महिला सांसदों को पीटा गया फिर वीडियो आ गया, एक मिनट पुरोहित साहब एक मिनट, सारिका जी पहले कहा गया मारपीट हुई फिर वीडियो आ गया, फिर ये कहा गया कि सेलेक्टिव फुटेज दिया गया, डोला जी ने आपके सामने इस शो में कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा कि भाई उसमें दिख रहे हैं डेरेक ओब्रायन रिकॉर्ड करते हुए, तो बोली मेरे पास है फुटेज, आपने देखा, मैंने विनती करता रहा मैं 5 मिनट तक कम से कम, फिर अपने स्टाफ से कहा कि जो वहां गए हुए हैं कम से कम वो वीडियो लेकर दे दें, वो नहीं दिखा पाए, पुरोहित साहब कह रहे हैं कि वो अभी जो है वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है वीडियो दिखाना, तो फिर ये हंगामा क्यों हो रहा है सारिका जी मुझे बताइए, सिर्फ आरोप लगाकर निकल जाने के लिए, नहीं उनका ये काम नहीं है कि आपको वीडियो नहीं क्यों नहीं ये काम, सुशांत जी मुझे बोलने दिया जाए, अच्छा एक मिनट रुक जाइए सारिका जी अभी आता हूँ, पुरोहित साहब अगर आपका ये काम नहीं है कि आपने जो वीडियो बनाया वो हमें दें नेशनल चैनल पर दिखाने के लिए, तो डेरेक ओब्रायन साहब वो वीडियो किस लिए बना रहे थे, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए या क्या, किस चीज के लिए, यादों में रखने के लिए कि कभी मैं संसद में खड़ा था तो ये हुआ था, संसद की मर्यादा है कि नहीं है,
तो बना क्यों रहे थे अगर मर्यादा का ख्याल था? बना क्यों रहे थे तब तब जब जब कांग्रेस सांसद टेबल पर खड़े थे तब मर्यादा नहीं समझ में आ रही थी? सांसद की मर्यादा है कि नहीं? हम तो वीडियो बना रहे थे, हमने दरवाजे भी तोड़ दिए, हम टेबल पे भी चढ़ के डांस भी कर लिए, नृत्य नाटक कर लिया, गुंडाई कर ली, हल्ला हू हल्ला कर लिया, तोड़ फोड़ मचा दी। अरे सर्वोच्च न्यायालय की शर्म कर लो, जो केरला असेंबली के मामले में बोल दिया कि तुम्हारी गुंडाई नहीं चलेगी। अरे कुछ तो शर्म कर लो, पता नहीं क्या ये क्या है, ये संसद की मर्यादा है कि नहीं? तो भैया क्यों वीडियो बना रहे थे, क्यों महिला मार्शल को मार रहे थे, क्यों दरवाजे तोड़ रहे थे? अरे आप 50 मार्शल के रोहित साहब, आपकी हालत वही हो गई जो लड़का फेल हो गया और उसकी कॉपी जब दिखाई गई माता पिता को कि इसने कुछ लिखा नहीं, तो उसने कहा कि सफाई के नंबर नहीं लेने चाहिए थे मुझे, तो आपकी हालत वही है। सारिका जी, अब आप बताइए आपकी क्या, अगर वो फुटेज टीएमसी के पास है तो देते क्यों नहीं? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जो चाय बेचने वाले आज देश को बेच दिए, सरकार जो है ना वो गृह मंत्री बैठे हुए हैं, तो जब ऐसे आवारे लोग संसद में बैठेंगे तो संसद तो इतना आवारा होगा ही। आप बताइए क्या इसके पहले संसद में बहस नहीं हुई है? पर मैडम, आपके पार्टी के नेता भी तो जेल गए हुए हैं, बाहर से लोग बेल पर बाहर हैं, तो इसका मतलब आपकी पार्टी आवारा है, ये कोई तर्क हुआ? बोलने का मौका दीजिए, थोड़ा तो सब्र रखिए, पता नहीं क्यों आप सुन नहीं पा रहे हैं, हम तो बता रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। क्या लोकतंत्र में जिस तरीके की लोकतंत्र की हत्या इन 15 सालों में हुई है, चाहे बिहार हो चाहे केंद्र हो, तो ये तो पूरा का पूरा देश देख रहा है कि क्या स्थिति बनी हुई है। लोकतंत्र जैसी कोई चीज अब देश में रह नहीं गई है, संविधान जैसी चीज कोई रह नहीं गई है, आज मानो राजतंत्र चल रहा है, एक राजा है वो शासन कर रहा है और अपने वो नियम बना रहा है, और क्योंकि वो राजा मुझे बोलना चाह रहा है, चाहे वो सड़क पे हो चाहे वो सदन पे हो, हम देख रहे हैं पिछले 2 महीने से जो है वो सड़क पे है, कभी भी मानवीय शासन जो है वो संसद में बिना किए जा रहे हैं। क्या कार्रवाई की गई है? आज मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, बिहार में हमारे नागरिक जीते गए, आज तक क्या कार्रवाई हुई? ये वो सरकार है जो ताना शाह की सरकार है, वो बताना चाहती है कि आज में जो भी हम संसद में बैठे हैं, तो वही होगा जो हम चाहेंगे। एक मिनट सारिका जी, आप लोग जो है इस बात से चिढ़ जाते हैं कि काउंटर क्वेश्चन क्यों किया जाता है। आपसे मैंने पूछा कि टीएमसी के पास वीडियो है तो आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपने आप क्वेश्चन पेपर में सवाल आया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ लिखिए और आप बता रहे हैं गाय पर निबंध लिख रहे हैं, तो मैं क्या करूं, मुझे पूछना पड़ता है? आपके पार्टी के नेता खुद जेल में जाकर जेल से बाहर हैं और आप कह रही हैं कि फलाना बैठा है वहां संसद में, क्या बोलूं मैं फिर इस पर, क्या चर्चा करूं मैं? नूपुर जी बोलिए क्या कह रही हैं। देखिए मैं 3 चीज कहूंगी। सारिका जी ने कहा कि 15 साल में देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। मैं भैया, मुझे तो बहुत आश्चर्य लग रहा है, इन लोगों ने कांग्रेस के साथ चुनाव तक लड़ लिया प्यार में, और अब कह रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में लोकतंत्र की हत्या हो गई। 15 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार थी जी, यूपीए की, तो ये मानती है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि जिसका हाथ मलबारेगी अपना, वो उनका भस्म हो जाएगा, उनका पूरा का पूरा फ्यूचर। दूसरी बात मैं कहूंगी, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई जी। हम तो वहां पे हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ मचाएंगे, तुम क्यों नहीं कंट्रोल पार कर पा रहे? तीसरी बात, लोकतंत्र की हत्या सही मायने में तब हुई थी सुशांत जी, जब इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आपको जान के हैरानी होगी, 2004-05 का बजट पहला था यूपीए 1 के शासनकाल में जो बिना डिस्कशन के पास कर दिया गया था। 100% बजट बिना डिस्कशन के पारित किया गया था, और दूसरी बार यूपीए 2 के शासनकाल में 2013-14 का बजट पारित किया गया था बिना किसी सुनवाई, बिना किसी डिस्कशन के। अगर बहन जी थोड़ा पढ़ लिख के आती तो ये कांग्रेस के ऊपर ऐसी बड़ी AK-47 जैसी बंदूक रख के नहीं बोलती, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, ये विपक्षी दल का एकजुटता में बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है, बहुत बड़ा गोलमाल है ये पता नहीं कैसे आपस में चुनाव लड़ेंगे, और ये क्या ड्रामा चल रहा है सड़कों पे राहुल गांधी का, वो जाने और भगवान जाने। सारिका जी वो पूछ रही हैं कि आप जो 15 साल का जंगल राज बता रही हैं उसमें वो कांग्रेस पार्टी के 10 साल हैं जिसके साथ आप चुनाव लड़ी, क्यों नहीं बोल पाई मैडम? 15 साल का हिसाब तो मैं ही दे दूं, 15 साल के अंदर ना तो कोई शिक्षा का कहीं पे कोई नाम था, ना कुछ था, चरवाहा विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध था जो बिल्कुल सच है,
गांव-गांव में बोरियां बिछा के लोग बैठते थे और पढ़ते थे, ना लाइट रहती थी ना बत्ती रहती थी और हम स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे। ये हाल था 15 साल में, और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य को कहां तो आपके नीतीश कुमार ने भी उन्हीं के साथ सरकार बनाई थी जिनको आप अभी कोस रही हैं। मैं उनको कोस नहीं रही हूं, मैं उनकी तारीफ कर रही हूं। ध्यान से कान खोल के सुने, कान खोल के सुने, मैं उनकी तारीफ कर रही हूं कि उन्होंने शिक्षा का स्तर यहाँ लगवा दिया, सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाए उन्होंने हर जगह। नहीं नहीं, आप कह रही हैं कि जिनके राज्य में, जिनके राज्य में चरवाहा विद्यालय चलते थे उन्हीं लालू जी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी ना, उनको उनको छोड़ के बीजेपी के साथ आने के पहले, आरजेडी की सरकार, क्योंकि उस वक्त उन पर भारी पड़े थे, जो वो चाहते थे वही होता था, क्योंकि एकमात्र उस वक्त कोई अगर दबंग थे तो वो लालू जी थे जिनके डर से बेटियां। चलिए, मेरे लिए लालू जी आज विषय नहीं है। सारिका जी, मैं तो आपसे सिर्फ इतना समझ रहा हूँ, आप नाराज हो रही हैं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि भाई वहां महिला मार्शल के साथ भी अगर कुछ गलत हुआ, अगर अभी वाले फुटेज में जो दिख रहा है, तो उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। है तो वो भी महिला ही है। आवाज आ रही है सारिका जी? अच्छा, उनको आवाज नहीं जा रही है। अब इसमें आप ये मत बोलिएगा कि मैंने नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी करा दी है, वो आपके यहाँ का नेटवर्क खराब है और उसमें मैं तो बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि लग जाए। सुशांत जी, हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँ, महिलाओं को की सुरक्षा के लिए संविधान में कानून बनाए गए हैं, कृपया उनका इस्तेमाल करें। अगर इनको लगता है कि बदसुलूकी हुई है तो जो संविधान में कानून बनाए गए हैं उनको कानूनी तौर से उस पर उनको आवेदन देना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यही एक सफल नेत्री का कार्य है। ठीक है नूपुर जी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आपको याद होगा किसान आंदोलन के वक्त, एक जब वो 26 जनवरी वाली घटना हुई, उस वक्त कहा गया कि एक किसान जो ट्रैक्टर से आ रहा था उसके सिर में गोली मार दी गई और बाद में उसका सीसीटीवी फुटेज आ गया। अगर वो फुटेज ना आया होता तो सोचिए देश में क्या हुआ होता। वैसे ही अगर आज ये फुटेज ना आई होती तो फिर क्या हुआ होता? क्या देश इसी तरीके से चलेगा कि अगर फुटेज मिल गई तो ठीक, वरना सारे आरोप जो हैं उसी पे हंगामा होता रहेगा? देखिए, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को लगता है कि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी है। मैं कहना नहीं चाहती, मैं खुद महिला हूँ, उसके बावजूद मैं बात कहूंगी। सुशांत जी महिला सांसद है और वहां पे धक्का मुक्की करी, देखिए कितनी बुरी तरीके से मार रही है महिला मार्शल को, क्योंकि सांसद है तो उनकी इज्जत इज्जत है, उनकी चोट चोट है और उनकी उनके साथ जो बदसलूकी है वो बदसलूकी है, क्योंकि महिला मार्शल है, वो सांसद के बराबर औकात नहीं रखती है उनकी नजरों में, तो इसलिए कैसे भी आप बदसलूकी कर लीजिए। आप मुझे बता दीजिए कि ये सही है क्या? और दूसरी ओर एक महिला मार्शल की कांच के दरवाजे टूटने की वजह से चोट लगाई, क्योंकि जोर जबरदस्ती कर रही थी सस्पेंडेड महिला सांसद वहां पे, ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। एक महिला होने के नाते, भूल जाइए कौन से राजनीतिक दल से हूं मैं, एक महिला होने के नाते एक महिला कर्मी जो एक मार्शल है, सुरक्षा कर्मी है, उनको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, ये सही नहीं है। सांसदीय प्रिविलेज का मतलब ये नहीं। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने जो तुलना करी 26 जनवरी से, सुशांत जी आपको याद होगा क्योंकि साफ सच्चाई बाहर आई सीसीटीवी फुटेज से, जो झूठ फैलाने वाले पत्रकार थे, मैं पत्रकारों की कम्युनिटी के ऊपर उंगली नहीं उठा रही, लेकिन एक पत्रकार द्वारा फैलाया गया झूठ था, उनको 2 हफ्ते बकायदा उनकी ही कंपनी ने ऑफ एयर ले गए, उनको टीवी से बाहर निकाल दिया, बर्खास्त बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, उनको माफी तक मांगनी पड़ गई। नहीं तो आप सही इशारा कर रहे हैं, देश के अंदर रायट हो जाते और मारपिटाई हो जाती, जो बिल्कुल सही नहीं था कि हमारे देश के तिरंगे झंडे का इस्तेमाल करके, गैर इस्तेमाल करके मैं कहूंगी, वर्दी पहने हुए पुलिस कर्मियों को मारा जा रहा है, तिरंगे झंडे की बेइज्जती करी जा रही है, फाड़ा जा रहा है, फ्लाईवे से नीचे फेंका जा रहा है। अब आप ये लगा लीजिए, देखिए सीसीटीवी न होने का नुकसान कितना होता है नूपुर, आप लोग इससे भी समझें कि बंगाल में जो हुआ उसको लेकर हर किसी को झुठला दिया जा रहा है कि सब झूठ बोल रहे हैं। संसद में जो हुआ उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पुरोहित साहब, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, वक्त कम है। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि टीएमसी ये सब में पढ़ना नहीं चाहती थी, आप लोग बेकार का फंस गए, किसी का बवाल है और सवाल आपको झेलने पड़ रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। टीएमसी एक्चुअली क्या हुआ, पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद में
पश्चिम बंगाल नहीं पूरे देश की आशा हो गई ममता बनर्जी जो हमारी नेत्री है वो एक नई देश को नई दिशा दिखाए। ये जो झूठी सरकार देश में बैठी है और लोगों को गरीब लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आज किसान बिल हो चाहे महंगाई हो, किसी भी मुद्दे पे इनको चर्चा नहीं करनी है। ये ममता बनर्जी कांग्रेस की सोनिया गांधी से मिल करके इन्होंने एक नई राह विपक्ष को मजबूत किया। आज ये विपक्ष, ये जो सरकार है, इनका काम है विपक्ष को तोड़ना। अभी ये विपक्ष जब एकजुट हो गया संसद में तब इन्होंने क्या किया, मार्शल उतार दिए। अब मार्शल लॉ में धक्का मुक्की हो रही है, एक मार्शल पे 50, एक एमपी पे 50 मार्शल खड़े कर दिए। अगर आप बोलने का मौका नहीं देंगे विपक्ष को संसद में तो फिर संसद क्यों चला रहे हैं? आपने तो 38 पास की है। ठीक है, मैं मुझे लगा, देखिए आप सब, सर समय नहीं है सर, सॉरी सर, 30 सेकंड बोलिए, जल्दी बोलिए 30 सेकंड। संसद में 4 बिल ऑर्डिनेंस से पास किए हैं, ऐसी क्या जरूरत थी संसद के अंदर में? आज इन्होंने जिस तरह से इंश्योरेंस बिल पास किया है, आपको पता है इंश्योरेंस का प्रीमियम 2 साल पहले क्या था और आज गरीब लोगों को कितना इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ रहा है? आप थोड़ा पता करें सर। आप माफी सर, अब बिल्कुल समय नहीं बचा है, इसलिए माफी मांग रहा हूँ, फिर इस पर इंश्योरेंस बिल पर अलग से चर्चा कर लेंगे, बिल्कुल समय खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी इस चर्चा में जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का।